जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल और ए बी आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा और त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये डायग्राम बना हुआ है, हिंदी मीडियम के बच्चे तब तक डायग्राम को स्टडी कर लें। पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेलोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर। शो दैट एरिया ऑफ पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी आर एस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, समझाना मेरा काम है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दो पैरेलोग्राम है, एक है पी क्यू आर एस, दूसरा है ए बी आर एस। आर एस दोनों में है, यानी कि बेस है एक तरह से, है ना। तो हमको डायग्राम के नेमिंग लेबलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आर एस दोनों में आ जाए। तो मैंने ले लिया बेस, ओके, इस तरह से है। अब ये जो बी आर एक साइड है ना, इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट एक्स है। एक्स को ए और एस से जॉइन कर दिया, ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया। आपको बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया पी क्यू आर एस का आधा होगा, ओके। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन ध्यान से देखो। आपने थ्योरम 9.1 पढ़ी है, उसमें आपने इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि एक ही बेस पर जब दो पैरेललोग्राम्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बन रहे हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। वो थ्योरम बच्चों हमको यहाँ पर दोबारा प्रूव करनी पड़ेगी। और अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि करके भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ये 4 नंबर का सवाल आता है तो आपको वो थ्योरम यहाँ पर प्रूव करके दिखानी पड़ेगी जो मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ। तो उस तरह से एक तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ए बी आर एस के एरिया के इक्वल हो जाएगा। पहला काम तो हम पहले कर चुके हैं, उसी को एक बार और कर लेंगे, ठीक है। दूसरा काम बच्चों मेन है, आपको बताना है कि त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का हाफ होगा। तो पी क्यू आर एस अलग है, ए एक्स एस अलग है, इनका तो कोई रिलेशन भी नहीं है। फिर हम क्या करें, फिर हम ऐसे करेंगे, देखो ए एस को लिया बेस, ओके, ए एस बेस हो गया और बी आर और ए एस पैरेलल है, समांतर है। अब इस ए एस के ऊपर ए बी आर एस बन रहा है, पैरेललोग्राम देख लो। अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो ये बेस है, इसके ऊपर ये पैरेललोग्राम, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो ये बेस लेने से ए बी आर एस तो हो गया पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का वर्टेक्स भी बी आर के ऊपर है, यानी कि ट्राइंगल इज ऑन सेम बेस, इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और बच्चों ये मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, याद करने को कह चुकी हूँ, एग्जाम्पल 2 आपकी बुक में है। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेलोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आप एज अ थ्योरम, एज अ स्टेटमेंट इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, है ना। ए एक्स एस का एरिया ए बी आर एस का हाफ होगा। अब ए बी आर एस और पी क्यू आर एस का एरिया इक्वल है, तो अगर ए एक्स एस का एरिया ए बी आर एस का आधा है, इसका मतलब पी क्यू आर एस का भी हाफ होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ए एक्स एस ए बी आर एस का हाफ है, ए बी आर एस पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो इसका मतलब ए एक्स एस पी क्यू आर एस का भी हाफ होगा, ओके। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन से एक बार और समझाऊंगी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड इट हियर। देखो बच्चों, ए एस
एंड बी आर आर पैरेलल, ए एस और बी आर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण है ना, तो बी और ये वाला ए इक्वल हो गए। इसी प्रकार अब पी एस और क्यू आर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आपको पता है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब दो एंगल्स का सम इन दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो जो तीसरा वाला एंगल आएगा वो भी तो इक्वल आएगा है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है, कोण योग गुण से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल एस। ये एंगल एस आप कैसे निकालोगे? 180 माइनस ए प्लस पी। और इसको कैसे निकालोगे? 180 माइनस बी प्लस क्यू। और ए बी पी क्यू ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल बचेगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब आप ट्राइंगल ए एस पी और बी आर क्यू को ध्यान से देखो। ए एस और बी आर इक्वल, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। ऐसे ही पी एस इज इक्वल टू क्यू आर और ये एंगल भी इक्वल। तो एस ए एस है ना, कौन सा एक्सियोम लग गया? एस ए एस सर्वांग समता अभिग्रहित से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। एक चीज हम लिखना भूल गए थे तो हमने यहाँ पर लिख दी कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। ठीक है, अब ए बी आर एस, ये जो ए बी आर एस है देखो, ए बी आर एस है ना, इसमें एक तो ये ट्रेपेजियम है ना, समलंब चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ए बी आर एस का एरिया पी बी आर आर, पी बी एस आर और ए पी एस इन दोनों के सम के इक्वल होगा। पी बी आर एस लिखना चाहिए था मुझे, चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं ठीक से साइक्लिक ऑर्डर में ही लिख देते हैं। ठीक है, पी बी आर एस। ऐसे ही पी क्यू आर एस पर आ जाओ, ये वाला पी क्यू आर एस, इसमें भी आएगा पी बी आर एस और बी क्यू आर, यहाँ भी आर एस कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा लिख दिया मैंने, बी आर क्यू है ना। अब ये तो कॉमन चीज हो गई, ये इक्वल है पता है हमको, तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इक्वल होगा। एक बार पहले बता दिया, अब और बता दिया। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ए एक्स एस को हम पहले ए बी आर एस के हाफ के इक्वल क्यों कर सकते हैं? एग्जाम्पल टू, ये पूरा स्टेटमेंट बच्चों इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, होता है ना, आधार समान हो, समांतर रेखाएं भी समान हो, उनके बीच में अगर एक समांतर चतुर्भुज बने और एक त्रिभुज बने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेलोग्राम आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम, ये होता है। ये स्टेटमेंट बच्चों आप यहाँ लिख दोगे। अब ये ए बी आर एस का हाफ है, ए बी आर एस खुद पी क्यू आर एस के इक्वल है, इसका मतलब ये पी क्यू आर एस का भी हाफ होगा। तो ये तो एक लाइन का था, सिंपल था। ठीक है, हुआ, आया समझ में बच्चों? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द क्वेश्चन, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था, उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? देखिए पी क्यू आर एस ऐसे भी ले सकते हो, पी क्यू आर एस ऐसे भी ले सकते हो, पी क्यू आर एस जैसे चाहे ले लो, कोई मना नहीं है, है ना। तो अगर आपने ऐसे लिया तो आर एस नीचे आ रही है, ऐसे लिया तो आर एस ऊपर आ रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो आर एस थी ना उसके ऊपर एक पॉइंट ए ले लिया, ये आर एस है इसके ऊपर ए, यहाँ भी आर एस है इसके, मैंने दो तरह से बना दिया, आपको जो पसंद आए आप कोई भी एक बना लेना। ठीक है, पी और क्यू से मिला दिया, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया जरा बताइए? तो 1 2 3 तीन भागों में, सिंपल है ना, तीन भागों में ये खेत जो है विभाजित हो गया है। इन भागों के आकार क्या है? ट्रायंगुलर। तीनों भाग कैसे हैं? त्रिभुजाकार है ना। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, फीमेल फार्मर है, वह ऐसा कैसे करे? वो चाहती है कि तीन हिस्से तो हो गए, ठीक है, वो चाहती है दाल
और गेहूँ बराबर बराबर बो दूँ, कैसे बोएगी वो, तीन हिस्से हैं, चाहती है आधी दाल हो जाए आधी गेहूँ हो जाए। चलिए अब इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड जॉइंड इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? आप बता सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि हाँ तुम ऐसा कर लो तो आधे में गेहूँ हो जाएगी आधे में दाल हो जाएगी। चलो हम बताते हैं, आप भी बता सकते हैं, आ गया होगा आपके माइंड में। देखो पी क्यू बेस ले लिया और ये एस आर और पी क्यू कैसी हैं, पैरेलल हैं। हाँ, अब इन दो पैरेलल्स के बीच में एक बन गया ट्राइंगल और एक बन गया पैरेललोग्राम, है ना, एक बन गया त्रिभुज, एक बन गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो यही वाला डायग्राम ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा। अब आपने क्या पढ़ा, आपने जो अभी एग्जाम्पल टू, देखो कितना काम आ रहा है ना, एग्जाम्पल टू अभी जो पढ़ा उसमें यही तो पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अकेला ये जो त्रिभुज है ना, अकेला त्रिभुज ये पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा है, यानी कि वो चाहे तो इतने हिस्से में गेहूं बो दे, इतने हिस्से में गेहूं बो दे, ठीक है, और यहाँ दाल बो दे दोनों में, तो बराबर बराबर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि इसने आधा पोर्शन घेर लिया। अब जो ये दोनों मिलकर बनाएंगे वो आधा ही तो होगा, है ना। तो कितना सिंपल था, बड़े वाले में एक चीज़ बो दे चाहे गेहूं चाहे दाल, दूसरे जो छोटे छोटे दो बचेंगे उनमें दूसरा बो दे, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको भी अभी लिखकर आपको दिखा रही हूँ और फिर लिखने के बाद एक बार आपको और एक्सप्लेन करेंगे, ओके। ये देखिए बच्चों, मैंने थोड़ा कलरफुल कर दिया, वो चाहे तो यहाँ पर गेहूँ और यहाँ दोनों में दाल बो दे, है ना, या फिर यहाँ पर दाल बो दे और इन दोनों में गेहूँ बो दे, अभी अपन चर्चा कर ही रहे थे। तो फर्स्ट का आंसर है तीन तीन भागों में विभाजित किया, सेकंड का आंसर है त्रिभुजाकार ट्राइंगुलर रीजन्स बन गए, है ना। इसके बाद ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, त्रिभुज ए पी क्यू तथा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ होगा, ओके। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, कौन सा, वही एग्जाम्पल टू जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखना है। अब इसका आधा ये है तो बाकी जो दो बचे वो भी तो फिर इसके आधे ही हुए ना बच्चों, इस अकेले ने इसका आधा पोर्शन ले लिया, अब जो बच गए छोटे छोटे से उन दोनों को जोड़ने से इनके बराबर आ जाएंगे, ऐसे समझ लो चाहे जैसे समझ लो। तो वह पी ए क्यू में गेहूँ व पी एस और ए क्यू आर में दाल बो सकती है, शी कैन सो वीट इन पी ए क्यू एंड पल्सेज इन पी ए आर एंड ए क्यू आर, या फिर पी ए क्यू में दाल और इन दोनों में गेहूँ, शी कैन सो पल्सेज इन पी ए क्यू एंड वीट इन दिस टू, ओके। तो जैसे चाहे वो अपना मैनेज कर सकती है, हमने उसको सॉल्यूशन बता दिया। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं एक्सरसाइज 9.3 में, जय हिंद।